Do you love me? I tell her only partly. I only love my bed and my mom. आज टॉपिक तो था नहीं इस ब्लॉग का, सोचा कुछ भी बना लेता हूँ, मतलब जो भी कर रहा हूँ वो दिखाता हूँ आपको, तो यही है ब्लॉग में चलते हैं। देखो आपको भी लगाना चाहिए प्लांट्स, प्लांट्स से बहुत ज़्यादा वो होता है फायदा। इधर देखो, यहाँ देखो हमारे का बर्डन है, यो पूरा एक्शन है का खाना। बैक टू बेसिक्स, लेट्स गो ग्रो। गुड इवनिंग गाइस, वेलकम टू द ब्लॉग। आप सब अच्छे होंगे, अच्छे नहीं है तो वही हो गए। तो भाई मेरे को ना आप सबसे एक बात करनी थी, मतलब मैं बहुत टाइम से ना 170 और 180 सब्सक्राइबर के बीच में अटका पड़ा हूँ। आई डोंट नो व्हाई, बट मेरे को लग रहा है कि मेरे चैनल की रीच और मेरे चैनल का जितना भी है वो स्टक हो चुका है। मेरे चैनल ना यूट्यूब से आगे प्रमोट कर रहे हैं ना इसका कुछ कर रहे हैं। मैंने पिछले 2-3 हफ्तों से कुछ भी व्लॉग वगैरह नहीं डालता, तो उसी बीच मेरे को एक चीज़ और पता चली कि मेरे को कोई भी एक्सटर्नल व्यू नहीं आ रहा। जितना को मैं शायद स्टोरी डाल देता हूँ उनसे आ जाता है व्यूज़, या जितना को मैं शेयर करता हूँ उससे आ रहा है। बट मेरे को अब रियलाइज़ हो रहा है कि या तो मेरा कंटेंट एकदम अच्छा नहीं है या फिर यूट्यूब ने कुछ करा। मेरे को तो वैसे दोनों चीज़ें लग रही हैं, क्योंकि मेरा अभी तक कुछ खास कंटेंट डाला नहीं मैंने, और यूट्यूब भी कुछ खास कर नहीं रहा इस चैनल का। हाँ मेरे को कुछ ना कुछ तो करना ही है और पता नहीं चल रहा क्या करना है। बट मेरे को इस चीज़ के सिर्फ 3 सोल्यूशन दिखने हैं। फर्स्ट कि इस वाले चैनल को पूरा रोके, न्यू चैनल स्टार्ट करो, न्यू रीच, न्यू पीपल, न्यू ब्लॉग, न्यू कंटेंट। सेकंड ये आ रहा है दिमाग में कि जो भी इस चैनल में चल रहा है उसे चलने दूं और इसी को कंटिन्यू रखूं, चाहे देख के चाहे व्यूज़ आए चाहे ना आए, बस मैं अपना कंटेंट डालता रहूं। सेकंड तो यही आ रहा है दिमाग में। थर्ड आ रहा है कि थोड़ा सा ब्रेक दे दूँ यूट्यूब को। मेरे ख्याल से इस साल का जिस क्लास मेरी बोर्ड है, मतलब इसी साल मेरे बोर्ड है, तो इस क्लास का ब्रेक देखें, अगले साल जब मैं कॉलेज या फिर जो भी करूँ अपनी लाइफ में तब से स्टार्ट करूँ। मेरे को तो इन तीनों चीज़ों के अलावा कुछ समझ आ नहीं रहा कि मैं क्या करूँ अपनी लाइफ में, क्योंकि ये 3 चीज़ें अभी ऑप्शन है मेरे को यूट्यूब के रिलेटेड। मेरे ख्याल से मेरे को थर्ड वाला ऑप्शन करना चाहिए थोड़े टाइम के लिए, या फिर मेरे को फर्स्ट वाला ऑप्शन करना चाहिए। मेरे ख्याल से फर्स्ट और थर्ड करना चाहिए। सेकेंड ऑप्शन बेवकूफ़ी होगी, पर आई नो कि मैं फर्स्ट और थर्ड नहीं करके सेकेंड पर ही चलता रहूँगा। आई डोंट नो व्हाई मेरा दिमाग ऐसा कह रहा है, मेरे दिल को, और मेरे दिल ऐसा कह रहा है कि थर्ड ऑप्शन ले ले कि थोड़ी देर रुक जा उसके बाद चालू कर। बट मैं चाहता नहीं, क्योंकि जितनी देर ब्रेक लूँगा उतनी देर मैं पीछे हटते रहूँगा यूट्यूब से। Dudley and Stevens. This was a 19th century British law case that's being in the presence of someone who's so much further ahead than you. It's a liberating experience. It just gives you so much confidence. Video from earlier this year is TED Talk about, as you talked about, it's like my video का audience retention 40% है, तो भी YouTube algorithm तुम्हारी videos को अच्छा खासा promote करेगा। Like अगर मैं अपने viral videos के retention show करूँ, तो इसमें at least 30 guys को अराउंड 2-3 घंटे मैंने ये वाली सारी मोटिवेशनल नॉलेजेबल वीडियोस देखी, पर इससे मेरे को एक बात तो पक्का पता चल गई कि इनमें से कुछ ही ज्ञान काम का था, अराउंड 15-20 मिनट का। उसके अलावा कुछ मेरे पल्ले भी नहीं पड़ा आधा तो, और आधा मेरे काम का भी नहीं था। भाई बाय द वे किसी को यार टैनिंग का सोल्यूशन पता होगा बताना, टैनिंग बहुत ज़्यादा हो रखी है मेरे ऊपर, देख रहे हो। आपसे एक और चीज़ पूछती थी यार, मेरे को ना जैसे मैं एडिटिंग अभी फ़ोन पे करता हूँ, जितने भी आप मेरे ब्लॉग वगैरह देख रहे हो मैं फ़ोन से एडिट करता हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि अब मैंने लैपटॉप जिसे एडिटिंग स्टार्ट करूँ,
तो अगर आप पे कोई सॉफ्टवेयर बताना हो कि ये वाले सॉफ्टवेयर से आप कर सकते हो स्टार्ट, या फिर आप पे कोई ट्यूटोरियल हो सॉफ्टवेयर जिसका मतलब यूट्यूब पे भी काफ़ी हो कि मैं उससे देख के सीख सकूँ, ऐसे कोई सॉफ्टवेयर हो तो बताना, ईजी भी होना चाहिए भाई क्योंकि मैंने आज तक करी नहीं है लैपटॉप एडिटिंग। सो गाइस यो दिस एंड फॉर टुडेज व्लॉग, उम्मीद करता हूं आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो, अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। इसके बाद मिलते हैं नए व्लॉग में, बाय बाय टाटा व्यूअर्स।